आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले अध्याय में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के तहत टेंस संबंधी नियमों का अध्ययन किया था कि टेंस को हम किस प्रकार से बदलते हैं। आज के हम इस अध्याय में टेंस के अपवाद संबंधी नियम एवं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव केस, पॉजिटिव केस को किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। नियम की स्थितियों में रिपोर्टिंग क्लोज के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टिंग क्लोज के टेंस में चेंज नहीं होता है, ऐसा कब कब होता है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। जब रिपोर्टेड क्लोज में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य दिया हो, ऐसी बातें जो हमेशा हर जगह पर सत्य होती है, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पानी का 100 डिग्री पर बॉयल होना, दिन रात का होना, सूरज का अपनी एक ही दिशा में उगना, इस प्रकार की जो सत्य बातें हैं, जैसे पानी में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु का होना, 2 और 2+4 होना, इस प्रकार जो बातें हमेशा सत्य होती है, ऐसी बातों को हम उस बातों में हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं डायरेक्ट टेंस का। द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। तो यहाँ पर ये बात आई है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये बात ऐसी बात है जो हमेशा सत्य होती है, तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। द टीचर सेड दैट 2 and 2 makes 4। तो यहाँ हमने देखा कि टेंस मेक जो वर्ब फॉर्म है वहाँ पर भी सिंपल थी और इनडायरेक्ट में भी सिंपल रखी है। दूसरी बात है प्रमुख नियम, द रिपोर्टेड क्लोज में आदत संबंधी कार्य यानी कि क्वेश्चनरी एक्शन हो, ऐसे कार्य जो आदतों में शुमार होते हैं, जैसे पक्षियों का हवा में उड़ना है, गाय का घास खाना है, या किसी आदमी का रूटीन वर्क है जो कभी चेंज नहीं होता है, तो ऐसी बातों को हम चेंज नहीं करते हैं, उसका टेंस को चेंज नहीं करते हैं। उदाहरण देखते हैं, द टीचर सेड काउ लिव्स ऑन ग्रास, यानी कि गाय जो है घास पर जीवन व्यतीत करती है। इसका इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो लिव वर्ब फॉर्म जो सिंपल है वो सिंपल ही रहेगी, द टीचर सेड दैट काउ लिव्स ऑन ग्रास। तो हमने देखा कि दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लिव फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो कर रही है, तो हमने इसमें टेंस को चेंज नहीं किया है। रिपोर्टेड क्लोज में यदि कोई कहावत या मुहावरा यानी प्रोवर्ब्स और आइडियम्स हो, यानी कि कहावत या मुहावरे भी ऐसी बातें हों जो लंबे समय के अनुभव के आधार पर लिखी जाती है, जो हमेशा सत्य प्रतीत होती है, तो इनको भी हम चेंज नहीं करते हैं। द टीचर सेड समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि हमने यहाँ पर देखा कि कुछ न होने से तो कुछ होना बेहतर है, तो ये सही बात, एकदम सत्य बात है, तो इसमें भी हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। द टीचर सेड दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यदि चौथा नियम, द रिपोर्टेड क्लोज में ऐतिहासिक तथ्य यानी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं उनका टेंस भी हम चेंज नहीं करते हैं, भले ही इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस होने पर भी हम उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। उदाहरण देखते हैं, माई फादर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये बात जो है वो एक सार्वभौमिक ऐतिहासिक तथ्य है, तो इसका भी ऐतिहासिक तथ्य होने पर भी टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। माई फादर सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। पांचवा नियम, जब टाइम क्लोज यानी पास्ट टेंस में हो, यानी कि रिपोर्टेड क्लोज यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग टाइम क्लोज में मेन वर्ब व वर्ब इन टेंस टाइम क्लोज दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस में दी हुई हो, तो उसका टेंस भी चेंज नहीं होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही सेड द बॉय वेटेड देयर, तो इसमें हमने देखा कि वेटेड जो है वो पास्ट सिंपल टेंस है, और टिल हिज मदर कम बैक, यहाँ टिल जो है वो टाइम क्लोज को दिखा रहा है, और यहाँ पर भी हमने देखा कि कैम जो है वो पास्ट सिंपल वर्ब है, तो दोनों ही क्लोज के अंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, तो हम ऐसे में उस टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट द बॉय वेटेड देयर टिल हिज मदर कैम बैक। एक और उदाहरण देते हैं, लिटा सेड आई वॉज हैप्पी, तो यहाँ वॉज जो है वो पास्ट सिंपल फॉर्म है, वैन आई सॉ माई फ्रेंड, जब मैंने अपने भाई को देखा, तो यहाँ पर हमने आई के बाद जो वर्ब फॉर्म आई वो भी पास सिंपल है, यहाँ पर वैन जो है वो टाइम क्लोज को शो कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों ही क्लोज के अंदर देखा कि दोनों में ही पास सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है, तो हम उसके वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, रीता सेड दैट शी वॉज हैप्पी वैन शी सॉ हर फ्रेंड। लेकिन एक बात प्रमुख रूप से ध्यान रखना होगा, यदि मेन वर्ब में सिंपल पास्ट टेंस में हो, वर्ब इन टाइम क्लोज के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ हो, तो ऐसे में हम
जो मेन क्लॉज है जिसमें पास्ट सिंपल दिया है उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उदाहरण देखते हैं, द मैन सेड आई स्लिप्ड व्हेन वाज ट्राइंग टू क्लाइंब अ ट्री। तो हमने यहाँ टाइम जो टाइम क्लॉज है हमारा व्हेन वाज ट्राइंग टू क्लाइंब अ ट्री, तो यहाँ हम देखते हैं कि वाज ट्राइंग जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है और स्लिप्ड फॉर्म जो है वो पास्ट सिंपल को शो कर रही है, यानी दोनों ही अलग अलग हैं। तो जो हम पास्ट सिंपल वर्ब है उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। उदाहरण देखते हैं, तो इसका इंडायरेक्ट होगा, द मैन सेड दैट ही हैड स्लिप्ड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू क्लाइंब अ ट्री। छठा नहीं है, स्टेट ऑफ अफेयर स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि ऐसी बातें जो पूर्व में कही गई तो है लेकिन अभी भी विद्यमान हैं, यानी कि उनका अस्तित्व आज भी है। तो ऐसी स्थिति में हम ये जो टेंस है उसको चेंज नहीं करेंगे। जैसे माय मदर सेड व्हाट एवर यू डू इट प्लीज मी, तो यहाँ हम इसका टेंस को देख, ये बात ऐसी बात है कि जब भी तुम काम करो तो मुझे कहना, ये बात हमेशा के लिए लागू हो रही है, आगे भी विद्यमान, आज भी विद्यमान है। तो इसमें हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। माय मदर सेड दैट व्हाट एवर आई डू इट प्लीज मी प्लीज माय मदर। तो अगला वाक्य और उदाहरण देखते हैं, ही सेड आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, यानी कि मैं डॉक्टर बनने की इच्छा जो हमेशा लागू रहेगी, आगे भी विद्यमान रहेगी जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाता। ही सेड दैट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो यहाँ हमने इन उदाहरणों में देखा कि हमने इसमें टेंस को चेंज नहीं किया है। अब प्रमुख रूप से एक बात और आती है टेंस के बाद, है कि हम जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भाग है उसके प्रोनाउंस को भी हमें चेंज करना होता है। तो उसके लिए हम चार्ट का प्रयोग करेंगे। तो आपने पूर्व की कक्षाओं में चार्ट का अध्ययन किया होगा और आपको याद भी होगा, जैसे चार्ट देख सकते हैं, जैसे आई से बनता है आई मी माई माइंड माई सेल्फ, इसका आई की जो फैमिली है पूरी, इसकी जो सब्जेक्टिव क्लेज ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव कोज और रिफ्लेक्सिव कोज दिए हुए हैं काज। इसी प्रकार वी अस अवर्स अवर सेल्फ यू यू योर योर सेल्फ ही हिम हिज हिमसेल्फ हर हर हर्स हर सेल्फ इट इट इट्स इट सेल्फ दे देम देयर देम सेल्फ। इस प्रकार की जो सारणी है, यानी कि हमें उसके केस जहाँ वाक्य में जो भाग जिस केस श्रेणी कारक के तहत आता है यानी केस का, तो उसी को हम उसी के काज में रिप्लेस करना होता है। तो देखिए कि रूल नंबर एक इसका है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड क्लोज के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई है वी है, इसके इसको हम बदलेंगे बाहर वाला वाक्य जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट से हम इसको बदलते हैं। तो उदाहरण के द्वारा समझते हैं, देखो, शी सेड आई वॉश माई ड्रेस माई सेल्फ, तो यहाँ पे आई माई और माई सेल्फ, तो आई तो सब्जेक्टिव केस है, माई जो है वो पॉजिटिव केस है और माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव केस है, और ये तीनों ही जो है फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन होने के कारण बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट को इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे। तो देखिए, शी सेड दैट, तो आई की जगह पर शी आ गया, माई जो रिफ्लेक्सिव केस है तो शी का रिफ्लेक्सिव केस हर, और माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव केस है उसके स्थान पर हर सेल्फ आ गया है। तो इस प्रकार वाक्य बना, शी सेड दैट शी वॉश्ड हर ड्रेस हर सेल्फ। इसी प्रकार दूसरा वाक्य और देखते हैं, शी सेड आई ड्रो माई कार माई सेल्फ, तो यहाँ पर आई माई और माई सेल्फ ये तीनों ही जो है फर्स्ट पर्सन है, तो इसको हम सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर यह सी है, तो आई के स्थान पर भी सी, माई के स्थान पर जो पॉजिटिव केस है तो उसका सी का पॉजिटिव केस, माई सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव केस है तो सी का रिफ्लेक्सिव केस यहाँ पर रखेंगे। तो वाक्य बना, शी सेड दैट शी हैड ड्राइवन हर कार हर सेल्फ। दूसरा नियम देखते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड क्लोज यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भाग है वो यदि सेकेंड पर्सन है यानी कि यू है, यू की फैमिली का कोई भी एक सदस्य है, तो उसके स्थान पर हम बाहर वाले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उससे हम इसको रिप्लेस करेंगे। यानी कि देखिए, उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, माई फादर सेड टू मी, यानी कि या मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आपका इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस शुरू होता है जहाँ यू आपका सब्जेक्ट है, यू डू नॉट डू योर वर्क योर सेल्फ, तो यू योर और योर सेल्फ ये तीनों ही कौन सा के सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से, जहाँ पर मी है यानी कि आई की फैमिली का सदस्य, तो यहाँ पर यू के स्थान पर जो हम आई को रखेंगे, योर के स्थान पर जो पॉजिटिव केस है तो आई का पॉजिटिव केस, और यू आर सेल्फ जो रिफ्लेक्सिव केस है तो यहाँ पर आई का रिफ्लेक्सिव केस यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट में देखते हैं, माई फादर टोल्ड मी दैट आई डू नॉट डू माई वर्क माई सेल्फ। नॉट, एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, यदि रिपोर्टिंग क्लोज में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो ऐसी स्थिति के अंदर
फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम करते हैं। दूसरी बात, इसमें प्रमुख बात है कि अंदर वाले सेंटेंस में कई बार बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर हम थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर सकते हैं। द टीचर सेड यू शुड हेल्प योर सेल्फ। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, जबकि यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यू होने पर हम ऑब्जेक्टिव केस का यू होने यानी कि सेकेंड पर्सन होने पर हम बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता अनुसार फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसका इंडेक्ट होगा द टीचर सेड दैट, जैसे आई एम, आई, वी, ही, शी, दे, ये तीनों फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है। इसमें से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए वाक्यों को पूरा करेंगे। आई शुड हेल्प और जो रिफ्लेक्सिव केस है, तो रिफ्लेक्सिव केस का यूज़ करते हुए वाक्यों को पूरा करेंगे। एक और प्रमुख बात है कि ऑब्जेक्ट में यदि ऑब्जेक्ट मी मानेंगे तो आई, अस मानेंगे तो वी, हिम मानेंगे तो ही, हर मानेंगे तो शी, देम मानेंगे तो दे आएगा। आगे भी ऐसे ही हम चेंज करते जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो बैठा है उसका हम सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिफ्लेक्सिव केस की आवश्यकता है, तो रिफ्लेक्सिव केस यानी कि अंदर वाले वाक्य में यदि सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो उसके स्थान पर हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे राजेश सेड ही इज़ वाइज, तो यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन है। तो हम इसका एक नियम है कि अंदर वाले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग है उसमें यदि थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो वो नो चेंज रहता है, उसको हम बदलते नहीं हैं। ये हमारा तीसरा नियम, प्रमुख नियम है। तो यहाँ राजेश के स्थान पे ही है, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। तो वाक्य बनेगा राजेश सेड दैट ही वॉज वाइज। अब तक जो अध्ययन किया है हमने वाक्य के अंदर वाले भाग में, अभी हमने टेंस के अपवादों के नियम का अध्ययन किया, टेंस को किस प्रकार से चेंज करते हैं उसका अध्ययन किया, प्रोनाउन को किस प्रकार से चेंज करते हैं इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे दूरी व समय संबंधी परिवर्तन एवं विभिन्न प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से हम बदलते हैं, इसका अध्ययन अगले वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।